अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। टुडे आवर टॉपिक इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन पेज नंबर 121। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द एलिमेंट्स एंड द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। वी नो दैट देयर आर 120 एलिमेंट्स आउट ऑफ विच 90 आर नेचुरल एलिमेंट्स। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन वी सॉर्ट द एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स। Can we divide them on the basis of their dull or shiny surface or on the basis of their states such as liquid, solid or gas? के जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको हम ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, क्या हम उनकी जो सरफेस है उसको देखते हुए कि वो शाइनी है या डल है उस बेस पे कर सकते हैं, या फिर हम उनको उनकी जो फिजिकल स्टेट है कि वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड में है या गैस फॉर्म में है, उसमें उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे इज़ टू डिवाइड द एलिमेंट्स इंटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आसान तरीका क्या है कि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की बेस पे एलिमेंट्स को डिवाइड कर लें। सो वी विल डिस्कस हेयर द मेन डिफरेंसेज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन पेज नंबर 121। हेयर द डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज द मेटल्स आर हार्ड सॉलिड्स। मेटल्स तो हमने देखे हुए भी हैं, हमें पता है कि मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं और सॉलिड फॉर्म में होते हैं। वेल नॉन मेटल्स आर यूजली फाउंड इन गैसेस और सॉलिड्स और लिक्विड स्टेट्स एंड द सॉलिड्स विच मेल्ट ईजिली। कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये गैसेस फॉर्म में भी मिलते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी और सॉलिड फॉर्म में भी, और ये हार्ड सॉलिड नहीं होते, आसानी से मेल्ट हो सकते हैं। सेकेंड इज मेटल्स आर डेंस एंड फील हैवी। मेटल्स जो होती हैं वो डेंस होती हैं और डेंस होने की वजह से वो हैवी होती हैं, भारी होती हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट वेरी डेंस एंड फील लाइट। मेटल्स हैव शाइनी अपीयरेंस व्हेन पॉलिश्ड। मेटल्स जो होते हैं ये शाइनी होती हैं जब इनको पॉलिश किया जाता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड और सिल्वर की आपने ज्वेलरी देखी होगी, तो जब उसको पॉलिश करवाते हैं तो इतनी चमक उसकी जो है वो बढ़ जाती है। वाइल नॉन मेटल्स हैव डल अपीयरेंस। ठीक है, नॉन मेटल्स जो है वो शाइनी नहीं होते हैं। मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स वाइल नॉन मेटल्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, मेटल्स आर डिफ़िकल्ट टू मेल्ट। मेटल्स जो होती हैं चूँकि हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं, तो उनको मेल्ट करना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। वाइल नॉन मेटल्स कैन बी मेल्ट ईजिली। मेटल्स आर मेलिबल। मेलिबल मीन्स दे कैन बी बेंट। आप देखते हैं कि मेटल्स को हम घरों में इस्तेमाल करते हैं तो हम इनकी मुख्तलिफ शेप्स में इनको बना सकते हैं। आपके घर में जो यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं इस्तेमाल के, वो मेटल्स के बने होते हैं। घरों में जो पाइप के लिए जो वाटर पाइप्स हैं वो आपके मेटल के बने होते हैं, और हम मुख्तलिफ फर्नीचर मेटल का यूज़ करते हैं, तो उसको मुख्तलिफ शेप्स में हम मेटल्स को चेंज कर सकते हैं। वाइल नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड और पाउडरी। नॉन मेटल्स जो हैं उनको आप शेप नहीं दे सकते क्योंकि वो ब्रिटल होते हैं या पाउडरी फॉर्म में होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो होते हैं वो हीट को अपने अंदर से पास करते हैं, इसीलिए जो हमारे घरों के खाने के बर्तन होते हैं या खाना पकाने के लिए जो हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो मेटल के होते हैं, तो उससे हीट जो है वो हमारे फूड तक पास हो सकती है। वाइल नॉन मेटल्स आर पुअर हीट कंडक्टर और दे आर गुड हीट इंसुलेटर। के नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर पुअर हीट कंडक्टर्स, दे कैन नॉट पास हीट थ्रू देम। तो जो हीट पास नहीं करते उन सब्सटेंसेस को हम इंसुलेटर्स कहते हैं। तो ये अच्छे इंसुलेटर्स होते हैं लेकिन पुअर कंडक्टर होते हैं। सिमिलरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो अच्छे इलेक्ट्रिसिटी को के भी कंडक्टर होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने अंदर से पास करते हैं। इसीलिए जो घर के अंदर वायरिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसके अंदर मेटल वायर्स यूज़ होती हैं। बाकी जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके अंदर भी जो वायर्स होती हैं वो मेटल की बनी होती हैं। वाइल नॉन मेटल्स आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स और दे आर गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। सिमिलरली कि नॉन मेटल्स आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने अंदर से पास नहीं करते, इसी वजह से हम इनको गुड इंसुलेटर कहते हैं। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। जब मेटल्स के ऊपर हिट किया जाता है तो एक साउंड आपको सुनाई देती है, उसको कहते हैं सोनोरस।
वाइल नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, के नॉन मेटल्स को जब आप हिट करेंगे तो इस तरह की साउंड आपको सुनाई